डीएवी पब्लिक स्कूल सलासी हमीरपुर के एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के खिलाड़ियों ने सिरसा हरियाणा में सीबीएसई क्लस्टर टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन किया है। ये सभी छात्र सीबीएसई नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल सलासी हमीरपुर के एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के खिलाड़ियों ने सिरसा हरियाणा में सीबीएसई क्लस्टर टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन किया है, जिसमें बबीता ठाकुर ने 100-200 मीटर में स्वर्ण पदक, शिवाली ने 3000 मीटर में गोल्ड मेडल और 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है और आदित्य पटियाल ने 3000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। ये सभी छात्र सीबीएसई नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। सीबीएसई खेलों में डीएवी सलासी के खिलाड़ियों के बढ़िया प्रदर्शन पर स्कूल में खुशी का माहौल है। प्रिंसिपल विश्वास ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि तीनों खिलाड़ियों ने स्कूल का नाम नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में स्कूल का नाम चमकाया है। वहीं एथलेटिक्स कोच ने बताया कि स्कूल के खिलाड़ियों ने सिरसा हरियाणा में सीबीएसई क्लस्टर टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन किया है, जिसमें बबीता ठाकुर ने 100-200 मीटर में स्वर्ण पदक, शिवाली ने 3000 मीटर में गोल्ड मेडल, 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता है और आदित्य पटियाल ने 3000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। विजेता खिलाड़ियों का कहना है कि सीबीएसई क्लस्टर टूर्नामेंट में भाग लिया है और प्रतियोगिता में कोच के द्वारा बताई गई तकनीकों का इस्तेमाल कर ही प्रतियोगिता जीती है। उन्होंने कहा कि रोजाना प्रैक्टिस के चलते आज प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर डीएवी हमीरपुर। मैं अपने बिहाफ पे और हमारे सारे स्टाफ के बिहाफ पे इन सभी बच्चों को, जिन्होंने हमें स्पोर्ट्स में, सीबीएसई क्लस्टर गेम्स में मेडल्स लाए हैं स्कूल के लिए, और बबीता ठाकुर जो फास्टेस्ट गर्ल बनी है इस सीबीएसई क्लस्टर में, नॉर्थ जोन में भी उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सभी बच्चों को मैं बधाई देता हूँ। उनके माता पिता को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों के इस अचीवमेंट में योगदान दिया। सारे प्रदेशवासियों के लिए भी ये एक बहुत गर्व का विषय है, खास करके हमारे ज़िला हमीरपुर के लिए, जिसमें माननीय डीसी साहब द्वारा शुरू किए गए कायाकल्प एग्जामिनेशन प्रोग्राम में हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि बहुत कम वक्त में उन्होंने ये तैयारी की, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहे। मैं इन सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में भी ये बच्चे इससे भी बढ़िया और इससे भी बढ़ चढ़कर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और स्कूल का, अपने घर का, अपने परिवार का और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। नाम तरवेश ठाकुर है, मैं डीएवी स्कूल हमीरपुर में फिजिकल एजुकेशन टीचर हूं और मैं 2017 से डीएवी स्कूल हमीरपुर की एथलेटिक्स टीम को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं रोज डीएवी पब्लिक स्कूल की एथलेटिक टीम को सिंथेटिक ट्रैक अणु में 4 से 6 बजे तक प्रशिक्षण दे रहा हूँ। हाल ही में हम सिरसा हरियाणा गए थे सीबीएसई क्लस्टर 16 टूर्नामेंट के लिए। वहाँ हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें बबीता ठाकुर ने 100-200 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ और सबसे तेज धावक का खिताब जीता। शिपाली ठाकुर ने 3000 मीटर में गोल्ड मेडल और 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता। आदित्य पटियाल ने 3000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता और ये सभी बच्चे सीबीएसई नेशनल के लिए चयनित हुए हैं। उसके बाद हम नॉर्थ जोन एथलेटिक चैंपियनशिप संगरूर पंजाब में पार्टिसिपेट करने गए थे। वहां बबीता ठाकुर ने 100 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता। हमारी इस कामयाबी के पीछे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल श्री विश्वास शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। वे हमें समय समय पर सारी खेल सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बच्चों को खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद।
मेरा नाम अमिता ठाकुर है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ डी एल पब्लिक स्कूल में। हम हमेशा हेडी सर अनु में प्रैक्टिस करने को जाते हैं, हमें प्रैक्टिस कराते हैं। इस बार हम संगरूर गए थे CBSE नेशनल नॉर्थ इंडिया खेलने, उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल आया। और हम सिरसा भी गए थे हरियाणा में, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल आया CBSE में। और ये विजय का मैं अब शीर्षक अपने सर पर पिशाकू को देती हूँ। और हमें खेल के प्रति मोटिवेट करने वाले हमारे स्कूल के प्रिंसिपल विश्वास शर्मा को हमें थैंक्स करती हूँ कि वो हमेशा हमेशा हमें गेम्स के लिए मोटिवेट करते रहते हैं।